सागर में इन्वेस्टर मीट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर राज्य सरकार उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रही है। खासकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में तलाशने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि सागर बुंदेलखंड का एक अंचल है। यहाँ पर बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। इनमें छोटे बड़े उद्योग और स्व सहायता समूह वाली महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में अभी तक 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। इन्वेस्टर मीट के माध्यम से सरकार युवाओं के रोजगार के आयाम खोल रही है। इन्वेस्टर मीट में छोटे बड़े सभी उद्योग शामिल है। वही सागर के बाद रीवा और होशंगाबाद में भी इन्वेस्टर मीट रखी जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बताई गई 4 कैटेगरी पे पूरा ध्यान दे रही है, खास करके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में तलाशने के लिए और गरीबों का भला करने के लिए, महिला, किसान, सभी प्रकार के उद्योग लोग, उद्यमी लोग लगाए, लोगों को रोजगार मिले, प्रदेश को कर मिले, GST बढ़े और विकास के सभी आयाम चालू हो, और खास करके विकास के दायरे में सभी संभाग और सभी रीजन में उसका नीचे तक असर दिखे। इस सिलसिले में लगातार हमने रीजनल कॉन्क्लेव अर्थात संभागीय स्तर पर यह उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की है, जिसको अंग्रेजी में रीजनल कॉन्क्लेव कहते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि बड़े पैमाने पर जिस ढंग से रिस्पॉन्स आ रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।